हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं मक्के का खेत और हमारे पीछे जो देख सकते हैं यह है गेहूं का खेत। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि एक ही मक्के में जो है कि कई सारे भुट्टे, यानी कि 8-10 भुट्टे हैं। और आज हम वही खेत आपको भुट्टा का दिखाएंगे जिसमें कि एक ही गाछ में जो है कि 5-6 भुट्टे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर जो है कि एक भुट्टे में जो है कि बहुत सारे भुट्टे हैं। और चलते हैं मक्के का खेत। और फाइनली अभी हम खेतों में हैं और खेतों की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं है आसपास में। और जो है कि मक्का का खेत हम आपको घुमाएंगे जहाँ पे जो है कि एक मक्के में कई सारे भुट्टे लगे हुए हैं। अधिकतर मक्के में जो है कि 2 या 3 भुट्टा होता है और इसमें जो है कि आपको 6 से 7 भुट्टे देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाएंगे कि वह कौन सा भुट्टा है और उसमें देखिएगा आपको 6 से 7 भुट्टा नज़र आएगा फ्रेंड्स। तो फाइनली दोस्त, आप देख सकते हैं वहाँ पे है मक्के का खेत और हम अभी आपको मक्के का खेत लेके चलते हैं और आपको वहाँ पर हम दिखाएंगे उस मक्के का जो कौन सा मक्का है जिसमें कि आपको एक गाछ में जो है कि 6 से 7 भुट्टे नज़र आएंगे। फाइनली आपको हम मक्के का खेत लेकर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मक्के का पेड़ यहाँ कितना बड़ा बड़ा है। और अभी आप देख सकते हैं इसमें एक भुट्टा लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपको इसमें 5 से 6 भुट्टे नज़र आएंगे। अभी आप इसमें देख सकते हैं 2 भुट्टे हैं और किन्हीं किन्हीं में 3 भुट्टे हैं और किन्हीं किन्हीं में आपको जो है कि 5 से 6 भुट्टे नज़र आएंगे। और हम आज आपको वही दिखाने आए हैं कि कौन सा मक्का है और उस मक्के में जो है कि आपको 6 से 7 भुट्टा नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम मक्के के खेत में हैं और हमारे पीछे यहाँ पे देखिए बहुत सारे मक्के हैं। और इन्हीं मक्के में कोई कोई ऐसा भी मक्का है जिसमें कि आपको 6 से 7 भुट्टे नज़र आएंगे। और आज हम वही आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं और काफ़ी सुंदर वह मक्के का पेड़ लगता है और उसमें जो है कि 6 से 7 भुट्टे लगे हुए हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भुट्टे हैं और इन्हीं भुट्टे में जो है कि कोई कोई ऐसा भी गाछ है जहाँ पे आपको 6 से 7 भुट्टा नज़र आएगा गाइस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि इस मक्के के खेत में बहुत सारे ऐसे मक्के हैं जहाँ पे जो कि 5 से 6 भुट्टे एक गाछ में है। तो आप देख सकते हैं नीचे से आप देखिए ऊपर तक आपको भुट्टा ही नज़र आएगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ नीचे भी 2 भुट्टा है और ऊपर में भी है। और ये जो आप देख सकते हैं यह अभी मक्का 12 फीट का है, यानी काफ़ी लंबा मक्के का गाछ है। आप देख सकते हैं यह कितना लंबा मक्के का गाछ होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा है मक्का और देखने में भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यह 12 फीट का मक्का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मक्के का खेत है और मक्के के खेत में जो है कि सिर्फ मक्का नज़र आ रहा है। तो मक्के का खेत आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और इनमें आप देख सकते हैं एक पेड़ में कई सारे भुट्टे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक भुट्टे में आपको 6 से 7 भुट्टा नज़र आ रहा है। तो इसी प्रकार से इस खेत में काफ़ी भुट्टे का पेड़ ऐसा है जिसमें कि 5 से 6 भुट्टे एक ही गाछ में लगा हुआ है। और आपके सामने आप देख सकते हैं इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक आपको दिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुट्टे आपको नज़र आ रहे हैं। और जहां तक आपका नज़र जाता है आप देखिए नीचे से आपको गिनिए और यह धीरे धीरे बढ़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी छोटा 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर तक जो है कि इसमें भुट्टा लगा हुआ है। और अभी जो है कि 2 भुट्टे 3 भुट्टे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ जो है कि, और नीचे भी 2 भुट्टे हैं। तो इसी प्रकार से पूरे खेत में आपको यहाँ पे बहुत सारे ढेरों भुट्टे नज़र आ रहे हैं और एक ही पेड़ में आपको 6 से 7 भुट्टे नज़र आते हैं। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है और हम जो है कि पहली बार इसे देखे हैं। और आपको बता दें हर भुट्टे में दाना भी होता है गाइस, ऐसा नहीं कि 2 भुट्टे हैं और उसमें दाना नहीं हो। तो आप देख सकते हैं इसमें भी
दाना अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5, तो आपको ऐसे 3 भुट्टा नज़र आ रहा है। और नीचे भी आप छोटे छोटे देख सकते हैं अभी है निकल रहा है, वह भी आप भुट्टे देख सकते हैं काफ़ी छोटे हैं, वह धीरे धीरे वह भी निकल जाएगा और निकल ही जाता है और उसमें भी दाना होता है परिपूर्ण में। और देखने में भी आप देख सकते हैं मक्के का गाछ कैसा है, अभी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। तो आप इसमें देखिए 7 भुट्टे लगे तो हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह जो है कि खेतों में एक मचान बनाया गया है, जिससे कि धूप हो बरसात हो उससे बचने के लिए यहाँ पे छोटा सा मचान बनाया गया है। गांव में इसको मचान बोलते हैं, हम लोग अधिकतर इसको बनाते हैं बगीचे में और खेतों में अधिकतर यह पाया जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे वहाँ पर वो मचान है, और छुपने के लिए जब बारिश होती है या फिर धूप ज़्यादा लगता है तो आप इसमें आके बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, इसीलिए इसको हम सब खेतों में बनाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कैसे उसके पन्नी से जो ऊपर से ढक देते हैं, और आप देख सकते हैं वहाँ का कैसा व्यू है, कैसा नज़ारा है। तो आसपास खेत है, खेत में जब भी काम होता है और थक जाते हैं तो इसमें आके बैठते हैं, थोड़ा आराम उराम करते हैं। तो यह धूप छाव के लिए बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छा है आराम करने के लिए। और हर खेतों में यहाँ लोग बनाते हैं, अधिकतर आपको ज़्यादातर बगीचों में ऐसा मचान देखने के लिए मिलता है, और खेतों में आपको कम ही मिलता है क्योंकि यहाँ पे बोरिंग था और यहाँ पे सोना पड़ता है क्योंकि यहाँ चोर सब जो है काफ़ी है और यहाँ पे मोटर चोरी कर लेता है, इसी कारण से वहाँ बनाया गया है और रात में यहाँ पे सोया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, भी आप देख सकते हैं यह गेहूं है और गेहूं पकने का समय हो चुका है। और यह जो है कि मार्च आने वाला है, मार्च में आपको 10 मार्च 15 मार्च के अंदर आपका गेहूं पक जाना चाहिए, यानी कि होली में जो है कि गेहूं कटने लगता है। फिलहाल जो है कि अब होली आने वाला है लेकिन अभी गेहूं आप देख सकते हैं पका पूरी तरह नहीं है क्योंकि काफ़ी लेट बॉक हुआ है, इसी कारण से यहाँ जो है कि अभी गेहूं में समय लगेगा 10 दिन का, और हो सके तो पूरा मार्च भी इसमें लग सकता है तब जाके गेहूं अभी पकेगा। तो सरसों भी आप देख सकते हैं, सरसों है इधर, सरसों में फूल था, फूल तो ख़त्म हो चुका है। और यह जो देख रहे हैं आप, ये जो है कि अभी इसका बाली है और इसमें जो है कि देखिए यह सरसों कैसा होता है, जब यह पक जाएगा तो यह काला काला हो जाता है। तो ये गांव का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, धन्यवाद।